और राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो यहां 15 जुलाई तक अच्छी बारिश के आसार जताए गए हैं। दरअसल पूरे मध्य प्रदेश के लिए ही मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 15 जुलाई तक प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। एमपी के कई जिलों में मौसम बदला हुआ रहेगा। 3 जुलाई से प्रदेश में दरअसल स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है, जिसके चलते अगले 5 दिन तक आंधी बारिश और गरज चमक के आसार जताए गए हैं। इंदौर और उज्जैन में भी आज बादल और बारिश का दौर छाया रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। बिलासपुर जिले में अगले 24 घंटे से बारिश का दौर लगातार जारी है और 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज भी दिनभर बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने यहां येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने तेज आंधी, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। बड़ी खबर इस वक्त की, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। पिछले 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश का सिलसिला चल रहा है। इधर कोरबा जिले में झमाझम बारिश से नदी नाले अब उफान पर आ चुके हैं। पहाड़ी इलाके में बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते चुईया नाला, ढेगुर नाला में पानी का बहाव अब और ज्यादा तेज हुआ है। जलस्तर भी बढ़ गया है। परसा खोला वाटरफॉल का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते 5 से ज्यादा खेतों में पानी भर गया, तो तस्वीर आप देख सकते हैं। मानसून की अभी बस शुरुआत महज हुई है, लेकिन उसके बावजूद हालात किस तरह से निर्मित हो रहे हैं वो आप इन तस्वीरों में देखिए। कोरबा जिले में झमाझम बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए। पहाड़ी इलाके की अगर बात करें तो यहां पर बारिश का दौर अभी भी जारी है और चुईया नाला, ढेगुर नाला में पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके चलते आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर परेशानियां ज्यादा बढ़ गई हैं।